एपिसोड की शुरुआत में हमें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर एलिना की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही होती है कि मैं जब छोटी बच्ची थी तो मुझे अंधेरे से डर लगता था, और जब मैं बड़ी हुई तब पता चला कि अंधेरा खौफनाक होता है क्योंकि अंधेरे में शैतान रहते हैं। आगे वो बताती है कि वो पूर्वी रैवका में रहती है, लेकिन यहाँ के लोग उसे अपना नहीं समझते क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है, जो यहाँ के दुश्मनों जैसी दिखती थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिना एक गाड़ी में बैठकर कुछ लोगों के साथ कहीं पर जा रही होती है, और इस दौरान वो गाड़ी में पेंटिंग कर रही होती है, जो पेंटिंग असल में काले साए की होती है जो पूर्वी और पश्चिमी रावका के ठीक बीचों बीच होती है। असल में एलिना पूर्वी रावका की सेना में कार्टोग्राफर होती है, और कार्टोग्राफर उन लोगों को कहते हैं जो सेना के लिए नक्शा बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ से सीन एलिना के पास में शिफ्ट होती है, और यहाँ पर एलिना अपने घर पर साए की तस्वीर को देख रही होती है, और तभी उसकी दादी उसे बताती है कि इसी साए को पार करने की कोशिश में एलिना के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और एलिना की तरह ही कई दूसरे बच्चों के माता पिता भी इस साए में गायब हो गए, जिनका बाद में कुछ पता नहीं चला। इस पर अब एलिना अपने दादी से सवाल करती है कि वो सभी लोग पश्चिमी राव का जाने के लिए साए को पार क्यों करते हैं, और क्यों वो घूमकर दूसरी तरफ से नहीं जाते। जिसके जवाब में एलिना की दादी उसे मैप की तरफ देखकर बताती है कि साए के उत्तर में फेडरा देश के लोग है जो रावका के दुश्मन है, और दक्षिण में पहाड़ है, इसलिए पूर्वी रावका वालों को पश्चिमी रावका में जाने के लिए साए को पार करना पड़ता है। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट समय में शिफ्ट होता है, जहां वो गाड़ी सेना के एक कैंप के पास आकर रुकती है जो उस साए के पास होता है। अब यहां पर एलिना पहली बार इस साए को देखती है जो बहुत ही विशाल और डरावना होता है। इस साए को देखकर एलिना के बाकी साथी भी बात करने लगते हैं कि सिर्फ एक सन समनर इस साय को खत्म कर सकता है, और सन समनर उसे कहते हैं जो रोशनी को पैदा करने की ताकत रखता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एलिना के बचपन के दोस्त मेल को देखते हैं, जो पूर्वी रावका की सेना का एक सिपाही होता है। मेल यहाँ पर एलिना को देखकर बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद हमें कुछ ग्रीषा लोगों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपने जादू का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। दरअसल ग्रीषा वो लोग होते हैं जिनके पास बचपन से कुछ जादुई शक्तियाँ होती है, और रावका की आर्मी के दो हिस्से होते हैं, जिनमें से पहले हिस्से में रावका के आम सिपाही होते हैं और दूसरी सेना ग्रीषा वालों की होती है। अब यहाँ ग्रीषा वालों को अपने जादू का प्रदर्शन करते हुए देखकर मेल एलिना से कहता है कि उसे ये ग्रीषा लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तभी वहाँ पर मेल के दोस्त दुब्रोव और मिकेल वहाँ पर आते हैं। मेल अब एलिना को उन दोनों से मिलवाता है, और तभी वहाँ पर हॉर्न बजाकर सभी सिपाहियों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर आर्मी का एक ऑफिसर कल साए को पार करके पश्चिमी रावका के कैटरडम शहर में जाने वाले सैनिकों का नाम अनाउंस करता है, जिसमें मेल का भी नाम निकलता है, और मेल का नाम सुनकर एलिना काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो मेल से प्यार करती है, और उस साए को पार करने वाला कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। अब इसके बाद उसी दिन शाम के वक्त जब सभी सिपाही लाइन लगाकर खाना ले रहे होते हैं कि तभी एलिना की बारी आने पर खाना देने वाला आदमी एलिना की बेइज्जती करके उसे खाना देने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है जो एक शू थी, और शू देश वालों ने पास में रावका वालों से जंग लड़ी थी, इसलिए सभी रावका वाले अब शू लोगों से नफरत करते हैं। पर मेल दूर खड़ा होकर ये सब देख लेता है क्योंकि आज एलिना को खाना नहीं मिला था, इसलिए मेल चुप कर ग्रीषा वालों के कैंप से खाना चुरा लेता है और एलिना को लाकर खाने के लिए देता है। अब एलिना यहाँ पर मेल को साए में जाने से मना करती है, लेकिन मेल उसे समझाता है कि उसे कमांडर के आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक सिपाही है। और इसके बाद अगली सुबह सभी लोग साए में जाने की तैयारी करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर जनरल किरिगिन आता है जो एक काला पाषंदी होता है। अब काला पाषंदी उन ग्रीषा को कहते हैं जो साए को बना सकते हैं, और आज से कई सौ सालों पहले एक काले पाषंदी ने ही इस साए को बनाया था, और जनरल क्रीगन ग्रीषा सेना का लीडर होता है। पर वहीं अब दूसरी तरफ एलिना कैंप में चुपके से जाकर साए के सारे नक्शे जला देती है, क्योंकि वो भी मेल के साथ उस साए में जाना चाहती थी, और अब सेना के पास साए का नक्शा नहीं होता, जिससे मजबूर होकर कमांडर को एलिना और उसके साथियों को भी साए में जाकर नए नक्शे बनाने का आदेश देना पड़ता है। अब इसके बाद मेल, एलिना, उनके बाकी साथी और कुछ ग्रीषा लोग एक जहाज में बैठकर साए में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलने से पहले एक ग्रीषा सभी को बताती है कि उनमें से किसी
किसी को भी साए के अंदर जाने के बाद आग नहीं जलानी है, जिसके बाद जहाज साए के अंदर चली जाती है। और यहाँ साए के अंदर काफी अंधेरा होता है और चारों तरफ से कुछ भयानक आवाजें आ रही होती है, जिससे डरकर जहाज पर एक सैनिक आग जला लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर कुछ वोल्करा आ जाते हैं और जहाज के लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। वोल्करा दरअसल साए में रहने वाले भयानक क्रीचर्स होते हैं, जो इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ये वोल्करा भी कुछ 100 साल पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन काले पाषंदी के जादू के वजह से ये भयानक क्रीचर्स में बदल गए। अब इनमें से एक वोल्करा मेल पर हमला कर देता है और मेल को बचाने के लिए एलिना बीच में आ जाती है, जिसके बाद वो वोल्करा एलिना को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एलिना के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसके कारण वहाँ के वोल्करा जलने लगते हैं। और इसी का फायदा उठाकर एलेक्सी नाम का एक सिपाही जहाज से कूदकर भाग जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें पश्चिमी रावका की सेना का जनरल जलाटेन दिखाया जाता है, जो अपने लोगों के साथ साए की दूसरी तरफ जहाज के आने का इंतजार कर रहा होता है। और तभी वो देखता है कि एलेक्सी भागता हुआ साए से बाहर आया है और बाद में वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पश्चिमी रावका के कैटरडम शहर का एक कसिनो दिखाया जाता है, और इस कसिनो में एक आदमी जुआ खेलते वक्त नकली सिक्कों का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन उस कसिनो में काम करने वाले जेस्पर बड़ी ही चालाकी से नकली सिक्कों को पहचान लेता है, जिसके बाद उस आदमी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और तभी वहाँ पर उस कसिनो का मालिक कह जाता है और वो कसिनो में गोली चलाने के लिए जेस्पर को डांटने लगता है। अब इसके बाद कैज ऊपर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इनिश उससे मिलने के लिए आती है। दरअसल पहले इनिश एक वेश्या घर में थी, लेकिन कैज ने उस वेश्या घर की मालकिन हेलिन को पैसे देकर इनिश को खरीद लिया था, इसलिए अब इनिश कैज के लिए काम करती है। और यहाँ पर इनिश कैज को बताती है कि ड्रीसेन नाम का एक व्यापारी कुछ लोगों को ढूंढ रहा है, जो साए को पार करके उसके लिए पूर्वी रावका से उसकी एक खास चीज लेकर आ सके, और इसके लिए वो उन्हें बहुत सारे पैसे भी देगा, जो सुनकर के साए के उस पार पूर्वी रावका में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद केज कई सारे लोगों से साए के पार जाने का आसान रास्ता पूछता है, लेकिन किसी को भी ऐसे रास्ते के बारे में पता नहीं होता, इसलिए आखिर में निराश होकर केज अपने कसिनो में बैठकर साए को पार करने की कोई तरकीब सोच रहा होता है। और तभी उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि ड्रीसेन एक हार्ट रेंडर को ढूंढ रहा है। दरअसल हार्ट रेंडर उस ग्रिशा को कहते हैं जो अपने जादू से लोगों से सच बुलवा सकती है, साथ ही वो लोगों की दिल की धड़कनों को भी कंट्रोल कर सकती है। अब वो आदमी केज को बताता है कि पेका रॉलिंस भी इस बारे में जानता है, और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। और अगले सीन में हम पेका रॉलिंस और उसके आदमियों को देखते हैं, जो ऑर्किड क्लब के मालिक से मिलने आते हैं, क्योंकि उसके पास एक हार्ट रेंडर होती है। पेका रॉलिंस अब उससे वो हार्ट रेंडर उसे देने को कहता है, लेकिन ऑर्किड क्लब का मालिक इसके लिए उसे मना कर देता है, जिसके बाद पेका रॉलिंस उसे मार देता है। लेकिन तब तक केज और उसके साथी वहां से उस हार्ट रेंडर को भागाकर ले जाते हैं, जिसके बाद केज हार्ट रेंडर को लेकर ड्रीसेन के पास आता है और ड्रीसेन से कहता है कि वो उसके लिए साए को पार करके पूर्वी रावका से उसकी चीज लाने को तैयार है, जो सुनकर ड्रीसेन केज और बाकी सभी को एक कमरे में ले जाता है, जहां पर एलेक्स ही बंधा हुआ होता है, जिसे काफी टॉर्चर किया जा रहा होता है। और यहाँ पर हार्ट रेंडर अपने जादू से उसे कंट्रोल करके साए के बारे में पूछती है, जिसके बाद एलेक्सी उन सबको बताता है कि साए के अंदर हमला होने के बाद अचानक से एलिना नाम की एक लड़की के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी, जिससे वहाँ के वोल्करा जलकर मर गए। जो सुनने के बाद ड्रीसेन एलेक्सा को गोली मार देता है, क्योंकि वो इस बात को राज रखना चाहता है, जिसके बाद ड्रीसेन कीज को साया पार करके पूर्वी रावका से एलिना को लाने को कहता है और साए को पार करने का प्लान बनाने के लिए उसे कल सुबह तक का वक्त देता है। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।